नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में फूड सेफ्टी विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा पकड़ी गई बिना मार्का वाली देसी घी की खेप। थ्री व्हीलर पर ले जाया जा रहा था देसी घी का पूरा बंडल। इंस्पेक्टर को देख करके थ्री व्हीलर चालक ने गाड़ी को भगा लिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद में फूड सेफ्टी विभाग की ओर से नकली देसी घी की खेप बरामद की गई है। थ्री व्हीलर पर लाद करके नकली देसी घी ले जाया जा रहा था। फूड इंस्पेक्टर द्वारा वाहन चालक को रुकवा करके जब चेकिंग की गई तो उसमें किसी प्रकार का मार्का नहीं मिला। इसके बाद फूड इंस्पेक्टर सुरेंद्र पुनिया द्वारा मौके पर पुलिस को जानकारी दी गई और थ्री व्हीलर चालक को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि चालक द्वारा भगाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल फूड इंस्पेक्टर ने इस देसी घी को पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस को शिकायतें दी गई हैं। वहीं फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा देसी घी के सैंपल भी लिए गए हैं, जो कि लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए फूड इंस्पेक्टर सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि पकड़े गए देसी घी पर किसी भी प्रकार का मार्का नहीं था। उनके द्वारा मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और यह सैंपल लेकर के जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल के ये विशेष। ऐसा है जी, मैं अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, मतलब जैसे पंचायत भवन के सामने से किसी दोस्त के साथ, और मैंने देखा भाई एक ऑटो जो है वो उस पर कुछ सामान लदा हुआ है। ठीक है, मतलब ये MDM डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने मैंने उसको रुकवा दिया और साइड में गाड़ी को रोक के मैंने कहा भाई कागज वगैरह दिखा। बोला जी ये तो घर के लिए घी है। मैंने कहा घर के लिए घी है, कोई बात नहीं, आप चेक करवाओ। तो भागने की कोशिश की उसने, फिर हमने उसको जो है केमिस्ट शॉप पे बिठा दिया। मैंने इसी दरमियान मैंने अपने स्टाफ को बुला लिया और हमने उसको सैंपल को खोल, मतलब जो पैकेट से उनको खोल के देखा, उसमें दो किस्म के पैकिंग थी, एक एक किलो की। उसमें जो है एक में तो एक्सपायर्ड घी है जो टेट्रा पैक है, और जो दूसरा है वो नियर एक्सपायरी घी है, किसी ब्रांड का है, वो रिकॉर्ड की बात है, मैं देख के बता सकता। तो कितना एक्सपायर्ड घी तो है और नियर एक्सपायरी घी है। अब ये घी है या नहीं है ये लैब की रिपोर्ट से पता लगेगा, लेकिन ये डेफिनेटली है कि एक्सपायर्ड घी है। और इसमें जो FSCI का नंबर एक में जो है वो तो लिखा हुआ है अप्लाइड फॉर, जो कि होता नहीं है। तो भी मिलावटखोरी के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो होगी, साथ में मैं पुलिस की भी मदद ले रहा हूं। तो क्योंकि ये बंदा भागने की कोशिश कर रहा था। तो पुलिस को शिकायत दे दी आपने? हाँ, पुलिस को मैंने शिकायत, अभी चल रही है कार्रवाई।